दोस्तों नाक की ये जो पार्ट है उसको एला बोलते हैं और ये काफी बार डैमेज हो जाता है। जैसे कि आपकी नाक में नथनी पहनी है वो डैम खींच जाती है कभी कपड़े में, या ह्यूमन बाइक या डॉग बाइक में ये पार्ट निकल जाता है। काफी बार एक्सीडेंट में भी ये पार्ट निकल जाता है जलने की वजह से, या कैंसर यहाँ पे है तो ये पार्ट निकल जाता है। तो एला जब निकल गया है और उसको वापस बनाना है तो वो प्लास्टिक सर्जरी को एलआर रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सर एलआर रिकंस्ट्रक्शन को आप कौन से स्ट्रक्चर में आप मॉडिफाई कर सकते हैं? एलआर रिकंस्ट्रक्शन में आपका कौन सा पार्ट गया है, जैसे कि खाली स्किन पे इफेक्ट हुआ है, या इसके अंदर की कार्टिलेज भी चली गई है, या अंदर की स्किन जो जिसपे बाल होते हैं वो स्किन, कौन सी स्किन या कौन सा स्ट्रक्चर गया है, उसके हिसाब से हम एलआर रिकंस्ट्रक्शन में प्रयोग करते हैं। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं प्लास्टिक सर्जरी प्रिंसिपल के लिए कि कार्टिलेज के बदले में कार्टिलेज, स्किन के बदले में स्किन, वैसा हम प्रयोग करें। एलआर रिकंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादातर हम लोग आपका जो फोरहेड होता है उसका या फिर चीक का प्रयोग करके हम आपका नाक बनाते हैं, तो वो नियरेस्ट मैच होता है और उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। एलआर रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप और कुछ डिटेल्स में बताना चाहेंगे? एलआर रिकंस्ट्रक्शन ज्यादातर इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, एक्सीडेंट हुआ या किसी ने बाइक किया और आपको एलआर वापस से बनाना है, तो प्लास्टिक सर्जरी में डॉक्टर आशुतोष सर का आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको जितना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो दे सकते हैं। अगर आपका एला उसी टाइम पे अच्छे से नहीं बन सके ऐसा लगे तो वो आपको स्टेज में भी एक्सीजन करके या रिकंस्ट्रक्शन करके कैसे आपका एला बना सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो ज्यादातर वो इमरजेंसी में इनकी जरूरत पड़ती है। अगर आपका कैंसर या बर्न्स की वजह से एला चला गया है तो वो आप प्लान सर्जरी करके भी इसमें कवर अप कर सकते हैं। ये एक ऐसा चीज है जो नाक का शेप बनाता है, तो उसको बनाने के लिए काफी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है और आपका कितना पार्ट चला गया है, जैसे कि खाली स्किन गया है या पूरा एला चला गया है, उसके ऊपर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। एला रिकंस्ट्रक्शन की आप उससे रिकवरी और रिजल्ट कब तक दिखा जा सकता है? एला रिकंस्ट्रक्शन अगर सिंगल स्टेज है या स्टेज वाइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। आपका नाक का एला निकल गया और जो हमने प्लास्टिक सर्जरी से बनाया तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अगर आप सेकेंडरी सर्जरी करा के एलआर थिनिंग या उसमें और कुछ छोटा सा टचअप करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। रिकवरी टाइम नॉर्मली कोई भी सर्जरी का 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक का होता है, तब तक उसका पूरा सूजन उतर जाता है, उसके स्कार मैच्योर हो जाते हैं, तो आपका जो स्कारिंग है वो भी दिखना बहुत ही कम हो सकता है। एला रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपका कॉन्टेक्ट अगर कोई पेशेंट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में आपको दिए जाएंगे। ज्यादातर हमारी जरूरत आपको इमरजेंसी में पड़ सकती है एला रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लान सर्जरी है तो आप सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच में हमें कॉन्टेक्ट करके आपके एला रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमारा प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग कर सकते हैं। आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।